हैं ये स्वीट पोटैटो, शकरकंद और हमारे भाषा में इसे बोलते हैं अलुआ। तो इसे लोग बॉईल करके भी खाते हैं और आग में भून के भी खाते हैं। तो इसको जैसे चाहे वैसे आप खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका बनाऊंगी एक अलग तरीके से। तो आप देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम छिलका उतारेंगे, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो के रखेंगे। जब इसका पानी खूब अच्छे से निकल जाएगा फिर हम आगे का क्या करेंगे वो आप देखिएगा। लेकिन ये देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका जो ये ऊपर का छिलका है ये हम इसकी सहायता से उतार लेंगे, या चाकू से भी आप उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं, आप इस तरह देख रहे हैं, मैं इसको ऐसे छील रही हूँ और छील के इसका जो ऊपर का जो ये छिलका है इसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा छिलका उतार लिया। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम अच्छे से धो लेंगे। ये बहुत हार्ड है, इसे बड़े सावधानी पूर्वक आप काटिएगा। ऐसे 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 टुकड़ों में आप काट लीजिए, क्योंकि हम इसे अभी फ्राई करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इसको धो लिया है। इसे धो के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, इसका जब पानी अच्छे से निकल जाएगा फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं मैं लूंगी थोड़ा सा अदरक, ये 3 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा लहसुन, इसे हम कूट लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने रख दिया इसमें सरसों का तेल, क्योंकि हम सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसके जैसे जितनी आपकी क्वांटिटी है उसी के हिसाब से। यहाँ हमने डाल दिया नमक, ठीक है, उसके बाद डाल दिया ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको खूब अच्छे से आप मिला लीजिए। तो इन सबको खूब अच्छे से आप मिला लीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं तेल काफी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर इन सबको जैसे पकौड़ी आप तलते हैं ना वैसे हम तलेंगे इसे। तो यहाँ डीप फ्राई करनी है, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेके थोड़े थोड़े इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी गैस की आंच जो है वो एकदम तेज है, एकदम फुल फ्लेम में आप रखिएगा, तो जब ही जाके ये अच्छे से फ्राई होगा। तो अभी ये हमने इसमें सारे के सारे डाल दिए हैं, अभी खूब तेज आंच में इसको खूब डीप फ्राई करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अब हम इसको धीरे धीरे थोड़ा अलट पलट भी कर देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप ऐसे धीरे धीरे चला लीजिए सावधानी पूर्वक, और बस इसे डीप फ्राई होने दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं
ये धीरे धीरे हल्का हल्का लाल हो रहा है, इसका मतलब ये पक रहा है। तो आपको इसी तरीके से धीरे धीरे इसको पकने देना है। गैस की आंच को तो आपको तेजी रखनी है, क्योंकि ये शकरकंदी के अंदर ना काफ़ी पानी होता है ना, तो वो पानी अच्छे से मतलब सूख जाए और ये अच्छे से तल भून जाए, तभी इसका स्वाद जो है खाने में अच्छे से आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये करीब करीब अब होने वाला है। इसको और मतलब स्वाद अच्छा लाना चाहते हैं तो खूब अच्छे से डीप फ्राई करिए, और उसके बाद जब ये डीप फ्राई हो जाए, आप जब प्लेट में से निकालिए तो इसके ऊपर से आप चाट मसाला, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती को बारीक काट के इसके ऊपर से छिड़क दीजिए, और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप टमाटो सॉस डाल दीजिए। फिर देखिए ये स्नैक्स के रूप में कितना अच्छा स्वाद देता है। तो यहाँ पे लीजिए, ये हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। यहाँ मैंने गैस को तेज ही रखा था, अब मैं यहाँ बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसे निकाल रही हूँ। अभी तो इसका सीजन है, मार्केट में खूब मिल रहा है, और तो आप इसे लेके आइए, बनाइए, खाइए और अपनों को खिलाइए। मेरी मम्मी के घर में तो ये खूब होता है, ससुराल में तो नहीं होता है। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो अभी सर्दियों में जब हम आग के पास बैठते थे तो ये चूल्हा के अंदर हम डाल देते थे, और जब ये पक जाता था तो वहाँ आग को तापते तापते हम इसे निकाल निकाल के खाते थे। अब तो आग आपको मिलेगा नहीं कि कोई आग के पास यहाँ बैठे। अब तो सब सिटी में रहने लग गए हैं, आग वाली बात तो अब खत्म ही हो गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी काफी गर्म है, और देखिए ये बिल्कुल, मैं आपको इसको आवाज सुनाती हूँ। अभी तो ये काफी गर्म है, ये ना कुरकुर कुरकुर जैसा हो गया है। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दीजिए, थोड़ी सी काले जो नमक आती है वो डाल दीजिए, सोया सॉस डाल दीजिए, इसके अंदर टमाटो सॉस डाल दीजिए, धनिया की पत्ती डाल दीजिए। मतलब इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी खाया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना झटपट ये कितने जल्दी बन के तैयार हो गया स्नैक्स के रूप में। तो शाम को चाय के टाइम जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो इसे बनाइए, और झटपट बन भी जाता है और खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।